अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ अपने एक और ब्लॉग में। सुबह सवेरे हो गया, सब सुबह सवेरे उठना पैरा को क्या शुरू हदीक साहब जान का मूड बन गया से स्कूल जा। चलो ठीक है, तुहाडा स्कूल जान का मूड बन गया तो साढ़ा फिर उठने का मूड बन गया क्योंकि नमाज पढ़ के मैं भी लेट जाती हूँ। तकरीबन फिर 7, 7:30 या 8 बजे उठती हूँ तो इसका स्कूल लगता है 7:45। मैं कह लो जी अब शुरू खदीर जान तो उठी, फिर उठो लीमा साहब जी तुम पूछो बच्ची जाएगी नाश्ता करना है कि इसकी तड़ी खिदमत जो असं पेश करते हैं। तो खदीर जान की तैयारी की तरफ उसकी नाश्ते की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको फटाफट से कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और वॉइस टाइम जरूर दिया करें। चलते हैं खदीर के नाश्ते की तैयारी की तरफ। और खदीर जान अभी वॉशरूम में मुँह हाथ धो रही है तो कितना टाइम लेंगे तैयार हो। नाश्ता बनाने से आपको एक बात बताती हूँ, सिंगल पेरेंट होने का बड़ी रोल है। इतने मान छोटे छोटे मसले मसाए न्याणे हर तरफों समझना पड़ता, हाँ जी हाँ तड़ा की मसला हो तड़ा की मसला हाँ चलो न्याणे भी समझिए। नाजरीन नाजरीन मेरी हदील उठ गई, मेरी हदील वॉशरूम से बाहर भी आ गई है और देखो तैयार हो चली, दुआ करो जरा जल्दी जल्दी तैयार हो जल्दी जल्दी, वरना जिन्ना मैंने बुलाती है ना जिन्ना मैंने बुलाती मेरा सिर खाने से मैं जानती हूँ मेरा अल्लाह जानता है। जब तक ये तैयार होती है नाश्ता तो सारी वर्ष का बनना बनना है, साथ साथ मैं अपने 22 मिनट लूँ और घर की चीज़ें भी समेट ताकि घर थोड़ा बहुत साफ सुथरा लगे। काम वाली भी काम छट के चले गई है और जिन बच्चों से आपने बचपन में काम ही ना करवाया होता मजा लो न्याणे हाथ ला जाने जल्दी कमा बिल्कुल ही काम करते मिलता करा करा के इमोशनल करा करा के मैं काम करा ली। हाँ जी क्या किया? अभी तो डस्टिंग की थी, एक हफ्ता पूरा मैं सुनना पड़ा मैंने डस्टिंग की थी। कुछ और भी दस दो, बस चाय नाश्ते में सिर्फ चाय, एक तो चाय हड्डियाँ बढ़ गई साढ़े निके निके न्याणे छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं चाय चाय और बस चाय चाय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं चले साथ साथ चाय भी बना लूँ, मैं दिल के साथ अपने भी चाय बना लूँ थोड़ा फ्रेश हो जाए। और बस जिन बच्चों को आदत लगा देना हम बचपन में चाय की वो चाय पीते ही पीते जो मर्जी करेगा। चाय हमारी तैयार है। दील हमेशा नेस्कैफे के कप से चाय पीती है, शायद उसने नेस्कैफे की कॉफ़ी की फीलिंग शायद ज़्यादा फील करती। इस तरह हमेशा जब भी चाय बनाते ना नेस्कैफे वाले कप जी मेरी चाय आप लोगों ने डालनी है। इसके अलावा उसको मेरे ख्याल फीलिंग्स अच्छी क्या कहते हैं ना उसको फीलिंग्स लेती है कि मैं अभी भी कॉफ़ी पी रही हूँ चाय की जगह, उसकी ज़िद्द होती है नेस्कैफे वाले कप ही पीनी है जी, कमाल है उससे। और मैं आपको ना अपने किचन की एक चीज़ दिखाती हूँ, तानू अक्सर मेरे ब्लॉग्स में ना कभी ओवन डब्बे में जितने मर्जी तो चुकी जाऊँ डब्बे प्लेट ग्लास ये हमेशा मेरे ओवन देर हमेशा ओवन दे। बच्चों की क्लास तक लग चुकी है, सारा कुछ हो गया। बड़ा ओवन बचा नहीं है, ये भी बेचारा ऐसे ही होता है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ रख जो दिया जाता है। ये हमारी महानता है कि हम सब कुछ ऐसे रखते हैं, मैं जितनी मर्जी उठा लूँ। बल्कि अब मुझे लगता है कि शायद मुझे भी लत लगती जा रही है, मैं भी कुछ ना कुछ लाकर ऊपर रख देती हूँ। बाद में ख्याल आएगा वो नहीं सादी चुक देना चाय पीते हैं। चाय हमारी बन चुकी है लेकिन मेरी हदीर जान अभी तक तैयार होके नहीं आई, देखो कितना टाइम लगती है। बाज का जबरदस्ती मैं मुँह तो बनती हूँ पर तैयार से टाइम देखो कितना ले रही, क्या बात है। चलो हदील आ जाए, चाय बन गई है, दिल जान तैयार होके आ गई है। दिल अब क्या रहता है, दिल अब क्या रहता है, दिल अब क्या रहता है मुझे बता दे, अभी बता दे अब क्या रहता है। हाँ जी एक चीज़ मैं तुम्हें और दिखानी पड़ेगी, घर आजकल मेरा बहुत ही बहुत ही बहुत ही की कहते हैं गंदा हो गया। मैं कह चलो इंग्लिश कोई वर्ड अच्छा जो बोल देती पर मैं तेन अपनी उर्दू चीज दस दी गंदा हो गया, गंदा आया पा वेखो अस तो तेने कपड़े नजर आ रहे बढ़ते कपड़े हम असी
इन्होंने तहलगांव जिसलिए गाने दो तो दे दें, क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? ये बहुत सारे घरों की कहानी है। आपके घर में एक बंदा ऐसा होना चाहिए हर वक्त एक पांव पे खड़ा रहे, वो या तो माँ होती है या बहन भाइयों में कोई एक बड़ा बहन। लेकिन हम मेरे बड़े बच्चों में, मेरी तीनों बेटियां सेम टू सेम है, मैं किसी को कह नहीं सकती कि एक पांव पर एक कोई खड़ी रहती है। अगर एक पांव पर एक बेटी खड़ी रहती है ना थोड़ी देर, वो कहती चल दूसरी में कहती हम तू खड़ी हो जा, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तय लगा दूंगी, कपड़े शौक से धो लेती हैं तय नहीं जाती, बाल बांध रहे हैं। अल्लाह जी बाला च गंगा निकल, गुस्सा हसीना को गुस्सा आ गया सी बाहर जा रहे, वरना हसीना का गुस्सा डरते बहुत गिरना वहां। असि चलते हैं बाहर, जितनी देर में दिल का हेयर स्टाइल बनता हम मिलते हैं शुरू से, कुछ पता बाहर जाने का उसको जुनून चढ़ा रहता है, बाहर जाने का उसको जुनून चढ़ा रहता है। जब हाय बोलो शबो, किसको ढूंढ रहे? बच्चे छूने छूने नहीं है बच्चे, छपो छपो छोनी छपो छोनी छपो छोनी छपो पोली, बहुत पोली बहुत छोरी बहुत छोरी। अस्सलाम वालेकुम, नो लिफ्ट कहते हैं, नो लिफ्ट विदाउट लिफ्ट। मेरी शबा मैं लिफ्ट नहीं करा रही, वो भी इसलिए कि सुबह दरवाजे गेट पर खड़ी म्याऊं म्याऊं चीख लगी हुई थी, मुझे बाहर लेके, जब मैं बाहर ले गई तो नाराज फुल फुल बच्चा साढ़ा नाराज होकर बैठा हुआ वा, उनकी बैठी हुई गेट देखे जो खुले गए थे, मैं कुर्सियाँ मार के बाहर चली जाना, फिर एक सेकंड इधर उधर देखते हैं जो पज पज के फिर जाती है। ये प्रॉब्लम आपके बालों के साथ है, मेरे साथ तो बहुत हो रहा है, कितने खूबसूरत बाल होंगे यार, जिंदगी ऐसे है ऐसे छे ला ला तुराई तुराइया कर देना बाला का शुरू होता। चले मुलाहजा दीप जान तैयार होकर आ गई थी, बोतल से पानी पाना अंदाजा लगा इस बोतल की ड्यूटी भी मेरी है, इस मैं ही पाने पाना, मैं दीप जान ने पानी घर चल जाना। फिर मैं डालती हूँ, कितने बजे बस बच्चे फिर अकेडमी ज्वाइन कर लेते ना, उन्होंने मौज लगी कहती लड़ा मामा स्कूल जाना पैदा इतने कोई गाने नहीं आती, मैं कहनी बेटा पूरी बात है घर में भी स्टडी करो और स्कूल भी, छुट्टी ज़्यादा हो जाती गवर्नमेंट स्कूल में, बच्चे अपने भी छुट्टियाँ करते हैं, फैशन ही बन गया है स्कूल ज्वाइन करते हैं यानी कि गवर्नमेंट और फिर साथ एकेडमी होती है, फिर स्कूल से थोड़ी छुट्टी होती है, टीचर्स भी कोई फोकस ज़्यादा फिर करती भी नहीं है ना। चले हमारी लाडली तैयार हो गई है और अब चाय पीती है, चाय के साथ जिसने कुछ है तक उसको खाना चाहिए ना, नाश्ते में कुछ अच्छा लेना चाहिए, खा के जाना चाहिए करना, दिलजन चाय पी लें कुछ खा लो चाय के साथ, सड़ी सड़ी रहती है तो सड़ी चाय। मैं अगर 24 घंटे ना उसमें से 12 घंटे में सिर्फ इसका मूड फ्रेश करती हूँ, मैं तरीके सोच रही हूँ छुट्टी करने के, नाइन्थ के रिजल्ट इसलिए इतना प्यारा बेहतरीन आया है, आपको मैं व्लॉग दिखाऊंगी जब ऐसे बैठी हुई थी, मैंने अभी तक आपसे तो इसका व्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि उसका एंड नहीं कोई भी हुआ था, मैं उन्होंने तो मैं एंड करूंगी फिर मैं तरह शेयर करूंगी, मेरा रोने को दिल चाह रहा था, तिर चलो सोचो चलो शब और दिल की लड़ाई। चल छोड़ दे इसको, अदील आ कोई मौका हथों नहीं जान देंदी पई कि कोई ना कोई देर हो जाए तखीर हो जाए टाइम ऊपर हो जाए मैं ना जाऊं, मेरे 7:20 के बाद जाना ही नहीं, ठीक है 5 मिनट।
ठीक है, मैंने भी इसको टाइम दिया हुआ है, मैंने नहीं कहना क्या मत तक का टाइम है, नहीं दसवीं तक का टाइम है, फिर देखो की करती है। अहमद मेरा भतीजा आ गया इसको लेने के लिए, पानी इसकी जड़ी वो जो इसकी बोतल थी ना, इसने अभी तक तो पानी नहीं भरा, तो मैं फरा तफरी में इसकी बोतल में पानी डालूंगी। ये इसके काम है जिसकी वजह से इसको इतना गुस्सा आता है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ एक मैं पानी फटाफट पा के दूंगी, बाहर आ भी गया। अपनी बिल्ली की रेत चेंज करनी थी ना, वो मेरी ड्यूटी ला देनी है फिर तो। चलो उठो, वेट कर रहा है मतलब। तो जी पानी, बाय बाय बोल दो, स्कूल टाइम हो गया, बेल भी बाहर हो गई, बोटी जा रही है साड़ी स्कूल। चलो आयतल कुर्सी पढ़ लो, ये तो गली में है। अच्छा जी चलो ठीक है, बाय बाय हदील, इसको अंदर कर दो मानो को, ले आओ अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हदील हमारी चली गई है स्कूल, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। आदिल कुर्सी पढ़ती, अल्लाह करे उसका अच्छा अच्छा दिन गुजरे। असल में पता क्या स्टोरी है, ये पहले लाइट स्कूल जाती थी और कुछ हालात ने ऐसे करवट बदले है कि फीसिस प्राइवेट स्कूल्स की बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैंने आपको बताया ना, सिंगल पीरियड के बड़े मसले मसाइल होते हैं, कमाना भी होंगे वा, बच्चे भी पालने होंगे, घर भी चलाना होंगे वा। अब मैं जो सिंगल पीरियड है इतनी कमाई नहीं होती, फिर मैं इतना छोटा जहा कपड़ा पहन के चौकी था, फिर तो सिखो गए अब सारे दिन सीढ़ियाँ चोने का कपड़ा पहन। तो इस वजह से फिर मैंने इसको लाइट स्कूल से हटवा लिया, और मैंने इसको जब देखा ना कि एक ही कोर्स है, गवर्नमेंट में भी वही है, यानी कि स्कूल में और अलाइड स्कूल का भी कोर्स वही था 9th-10th का, मैं इसको इधर ले आई 9th में। तब से इसका मूड अपसेट है और बहुत ख़राब मूड के साथ स्कूल जाती है और खुश नहीं होती। ज़ाहिर बात कुछ फ्रेंड्स भी चेंज होती, सब कुछ आप अंदाजा लगाए, आपको मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी मुश्किल होती इसको इस चीज़ पर राज़ी करने के लिए, इसका मूड समझने के लिए, इसकी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए, मुझे इसके साथ खपना पड़ता है। फिर उसको बड़े प्यार से समझाती हूँ, बताती हूँ, कभी कभी मुझे परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वालिद होना बच्चों का, आधी टेंशन ना वो तकसीम हो जाती है, आधी कहते ना आधी माँ ले लेती है, आधी बाप ले लेता है, लेकिन हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है मैंने ही हैंडल करना होता है, हर चीज़ को मैंने खुद हैंडल करना है। अब हदील को मैं ही हैंडल कर रही हूँ, ज़ाहिर अभी उसकी जो बड़ी बहन है वो मेरे से तावन करती हैं, हर तरह का तावन करती, लेकिन वो भी अभी शादीशुदा नहीं है, वो बच्चों वाली भी नहीं है। हाँ मेजोरिटी है, लेकिन कुछ उम्र शादी के बाद जब बच्चे होते हैं, हस्बैंड के साथ एक लाइफ इंसान गुजरता है, उसके बाद वो सारी लाइफ को इंसान समझता, अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को, क्योंकि शादी से पहले नहीं होती। उन्हें कभी कभी मेरे पर गुस्सा आता है, मम्मा आप क्या कर रही हैं दिल के साथ, प्यार किए जा रहे, अभी समझ रही है, अभी भी 10th में चली गई, 9th का रिजल्ट भी इसी वजह से इसने, यानी कि थोड़ा सा मेरे साथ रही, नाराज़गी में रही और रिजल्ट ख़राब हो गया। अब कहती मैं रिजल्ट अच्छा लाऊंगी आपको, मैं इंशाल्लाह बहुत मेहनत करूंगी, लेकिन स्कूल जाने का भी दिल नहीं चाह रहा, बड़ी मुश्किल से ओके ओखा ओखा तैयार होकर जाती है और नाराज़गी होती है। तो जो मेरा सिंगल पेरेंट है ना, वो समझ सकते हैं मेरी इस बात को कि हम माओ के लिए कितना मुश्किल होता है, बाप का रोल अदा करना और माँ का भी रोल अदा करना, इनकम करनी और घर को चलाना, वो भी 3 बेटियों के साथ, और जिस माँ का बेटा भी ना उसे बड़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, एक बेटे की तरह रोल अदा कर रही हैं मेरे साथ, इनकम में मेरे साथ तावन भी बहुत करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बाप का किरदार कोई नहीं निभा सकता, ना कोई भाई का, तो हमें अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी, चलें बात की स्टोरी फिर मैं आपके साथ अपनी छोटी छोटी स्टोरी शेयर किया करूँगी कि मेरे साथ क्या क्या बीता है, कि सिंगल पेरेंट को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आज की मैंने आपको अपनी एक छोटी सी मुश्किल दिखाई कि हदील को किस तरह मैं पैम्पर करती हूँ, रात को समझाती हूँ, फिर सुबह स्कूल जाती है, और आज का व्लॉग इतना ही है। ठीक है, बाकी फिर बच्चे उठते हैं, फिर हम नाश्ता वगैरह करेंगे, मैं अपने काम की तरफ जाती हूँ, आज का इतना ही व्लॉग है, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं एक नए व्लॉग में।